सर प्रशांत भूषण को लेकर जो देश भर में बवाल मचा हुआ है, जो उन पे कोर्ट का अवमानना का जो उन पे जो केस हुआ है, उसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शू मोटो लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं? प्रशांत भूषण हमेशा जो सरकार है, सरकार के खिलाफ काम करते आए हैं। जो जो भी इंसान, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से या फिर वो सड़क पर सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो सरकार चुन चुन कर उनको जेल में डालने का काम कर रही है, उन पर झूठी अफवाह लगाने का काम कर रही है, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो लगातार उनको उन पर प्रताड़ना कर रहे हैं, चाहे वो FIR के माध्यम, जेल माध्यम। तो उसी का एक रूप ये भी है कि जब प्रशांत भूषण हैं वो भी हमेशा सरकार के और मोदी सरकार के खिलाफ वो अपने हमेशा अपने वक्तव्य देते आए हैं, तो उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम सरकार से नहीं टकरा सकते हो, अगर सरकार से तुम टकराओगे तो किसी न किसी माध्यम से तुमको सजा सुनाकर जेल पहुंचाने का काम करेंगे, उसी का एक प्रकार से ये काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने दो ट्वीट किए थे, उन ट्वीटों में कोई ऐसा कभी कुछ नहीं था जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। उन्होंने कहा था कि 50 लाख की बाइक पर बैठकर आपने मास्क भी नहीं लगा रखा और आप पब्लिक पैलेस पर आ रहे हैं, तो आपको ये उचित नहीं करता। जिस समय सुप्रीम कोर्ट बंद है, लोगों को न्याय देने का तरीका है वो बंद हो रहा है, लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, और एक कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिना मास्क के 50 लाख की एक मोटरसाइकिल पर बैठकर बाहर निकलता है, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था जो उसको कमेंट लेना चाहिए था, ना कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना चाहिए था। मगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, एक मानसिकता के ग्रसित लोग बैठे हुए हैं, वो मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं कि जो जो भी इंसान या तो सरकार के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर जेल में भिजवाने का काम करेंगे, वही मुकदमा। तो क्या क्या लगता है सर, जैसे CNRC का आंदोलन में भी प्रशांत भूषण की भूमिका रही है, तो क्या उस वजह से भी इन पे टारगेट? बिल्कुल बिल्कुल, जो NRC का मुद्दा पूरे देश में गया था, जितने भी एक्टिविस्ट NRC के थे, चाहे वो दलित हैं चाहे मुस्लिम समाज के हैं, आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा जितने भी मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट थे सबको जेल में डालने का काम किया था, जिनका कोई मतलब भी नहीं था। हम अच्छी तरह जानते हैं एक्टिविस्ट हैं वो अपने समाज की बात को उठाने का काम करते हैं या फिर वो संविधान की बात को उठाने का काम करते हैं, सिर्फ एक जाति एक धर्म को उन्होंने टारगेट बनाकर उस चार्जशीट को बनाने का काम किया था। जो रियल में दोषी थे उनको कोर्ट को भी पता है, पूरे देश को पता है। कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसके बाद जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने खुद एज ए मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन पर तो FIR तक भी नहीं हुई है, और जिस जज ने ऑर्डर दिया था FIR करने का उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता। कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो एक प्रेशर में है, और जब सरकार का जब प्रेशर होता है तो वो आपने देखा भी होगा कि 2018 में, और जब चार जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी थी, और चार जजों में गोगोई भी थे, जो जस्टिस गोगोई थे उन्होंने भी बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कुछ दिन के बाद में उनकी सरकार से सेटिंग हो जाती है तो सब कुछ ठीक चलने लगता है। उन पर एक लेडीज़ का, एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लगाया था, सब सेटल हो जाता है, और फिर उन्होंने राम मंदिर का केस भी किया जो भावनाओं के आधार पर किया, क्योंकि उसमें अभी देश के दो भाग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि वो राम मंदिर पर जो जजमेंट हुआ था वो सही जजमेंट हुआ था, वो कहीं ना कहीं भावनाओं पर जजमेंट किया, ना कि तत्व जजमेंट किया था। तो जब जब भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई पर आवाज़ उठाई है, सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि हम सब ठीक हैं, जबकि जस्टिस वर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अचूक हो सकता है पर इनफेलेबल नहीं है। वो अचूक नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर वो इनफेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अचूक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर कोई कमेंट करता है तो उसको एज ए कमेंट लेना चाहिए, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। जो प्रशांत भूषण की बात है, प्रशांत भूषण में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि प्रशांत भूषण जैसे लोग जितने भी एडवोकेट्स हैं, या तो वो BJP की बात करें, अगर BJP की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अगर आदिवासी की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे, या संविधान की बात करेंगे, बचाने की बात करेंगे, तो आपको हम या तो आप पर NSA लगाने का काम करेंगे जो मुस्लिम होंगे या फिर दलित होंगे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के आपको जेल में भेजने का काम करेंगे, और कुछ नहीं है सरासर, ये दबाने का एक तरीका है। सर कोर्ट के खिलाफ तो OBC भी हमेशा बोलते रहे, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नहीं क्यों करेंगे? प्रशांत भूषण पे क्यों हुई? देखो क्यों करेंगे, प्रशांत भूषण एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा से NRC के वक्त में या और भी मुद्दे हुए हों, वो सरकार के खिलाफ, सरकार के जो गड़बड़ करती है सरकार, उसको उजागर करने में काम देते हैं। या जो जजेज हैं, जजेज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय नहीं करते हैं, वो धर्म के आधार पर न्याय करते हैं, या एक पर्टिकुलर समाज के लिए वो बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो प्रशांत भूषण जैसे जितने भी एडवोकेट हैं उन्होंने हमेशा जजों को आईना दिखाने का काम किया है। जो जजों को आईना दिखाने का काम करेगा उसके साथ में वो ऐसा ही बर्ताव करेंगे। शू मोटो लेकर उन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की प्रोसीडिंग की है, जो सरासर गलत है।
पूरे देश के अंदर इसकी अवहेलना हो रही है, पूरे देश के अंदर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज़ाद देश के अंदर हैं, हमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है बात करने का, बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास में है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास में है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये सरासर फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका वॉल्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केसों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए। सर अब दोषी करार तो वो हो गए हैं, कितनी सजा, क्या प्रावधान, क्या हो सकता है सर? देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या सजा होनी है क्या सजा नहीं होनी है, मगर मेरा मानना ये भी है जेल जाना पड़ेगा। सो हाँ बिल्कुल जाना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उनको क्या नहीं कहता है, मगर प्रशांत भूषण अपनी बात पर अडिग हैं और आने वाले भविष्य में ये बात साबित होगी जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसे भी जुडिशरी में लोग आए थे, ऐसे अफसर भी आए थे जो एक मानसिकता से ग्रसित मानसिकता के लोग थे, और जो उन लोगों को जुडिशरी के माध्यम से, FIR के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों की जवान को बंद करना चाहते थे जिन्होंने हमेशा से देश के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और दूसरी बात ये कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें भूल जाती हैं कि इस देश के अंदर इमरजेंसी भी लगी, इन्होंने अघोषित इमरजेंसी अब लगा रखी है, लोगों को पता है, तो हर इंसान की जवान को बंद करना चाहते हैं जो भी अपने अधिकारों की बात को कहता है। मेरा सवाल है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई गलती करता है तो उससे सवाल करने का राइट किसी को नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तानाशाह बर्ताव करेगा जिस तरह से प्रशांत भूषण केस में देखा जा रहा है? क्या नहीं नहीं बिल्कुल, हर मुद्दे पर हर किसी बात पर अपनी राय रखने का पूरा हर किसी को अधिकार है, सिर्फ उसमें देखना है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि भाई कोर्ट की अवमानना होगी, उसमें देखना पड़ेगा। अवमानना के बहुत सारे तरीके होते हैं, कमेंट करना किसी बात पर, कमेंट करना, अगर जस्टिस जो देश के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो 50 लाख की बाइक पर बैठकर बिना मास्क लगा कर आते हैं तो उन पर भी कमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं जब देश के प्रधानमंत्री पर, देश के राष्ट्रपति पर, सब पर कमेंट किया जा सकता है, ये हमें आज़ादी है, तो फिर उन पर क्यों नहीं? एक कमेंट करने से, सिर्फ कमेंट करने से कि ये देश के सुप्रीम कोर्ट में बंद है, लोग जा नहीं सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ मोस्ट जज, मतलब चीफ जस्टिस होने के नाते आप 50 लाख की बाइक पर बिना मास्क के बैठ के आप जा रहे हैं, तो क्या आप साबित करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को? सर, मामला ये नहीं है। हाँ। प्रशांत भूषण ने भ्रष्टाचार, वो तो दूसरा मामला है, वो दूसरा मामला, दो एक्चुअली में इसमें दो केस है, दो कंटेम्प्ट ऑफ दो है। एक तो पहले जजों की बताया कि जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, पिछले जो रहे हैं उन पे भ्रष्टाचार के मामले थे, और एक लेटेस्ट ये था, वो तो पुराना मामला, पुराने मामले को उठा के लाए और सी मोटो लिया इस बारे बात पर, दोनों पे लिया है। एक्चुअली में क्या है कि जो जज हैं उन्होंने अपने आप की एक जो ईगो है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब काम कर रहे हैं, जबकि जुडिशरी में ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। पर्सनल ईगो माना? हाँ, पर्सनल ईगो है, बिल्कुल पर्सनल ईगो है उनसे, और ऐसे लोगों से नहीं है, बहुत सारे लोगों से है। पुलिस को भी पर्सनल ईगो होती है, सरकार को पर्सनल ईगो है, सरकार भी कहीं ना कहीं आपको देखना होता है, वो भी जाति देखकर, धर्म देखकर काम करती है। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें, जो अगर योगी जी बैठे हैं वहाँ भी जाति देखकर काम करते हैं। अगर मोब लिंचिंग हो रही है किसकी, वो मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे हो रहे हैं तो मुस्लिम समाज, दलित समाज पर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा NSA लगाया जा रहा है तो मुस्लिम समाज और दलित समाज पर लगाया जा रहा है। उत्तर दिल्ली के अंदर भी जो रॉयड्स हुए हैं वहाँ भी आप देख लें, क्या जो यहाँ की पुलिस है, पुलिस का क्या रोल था, क्या चेहरा था उसका? पुलिस ने भी एक तरफा होकर जो स्क्रिप्ट मोदी जी से वहाँ से लिख के आई है, शाहजी के वहाँ से जो स्क्रिप्ट लिख के आई थी, उस स्क्रिप्ट पे अपना काम करने का काम किया उन्होंने, और उन निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया था जो लोग दंगे में थे ही नहीं, जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए काम कर रहे थे। तो जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर जो गलती की है, अगर गलती जिस तरह से हुई है, तो अगर उस पर सवाल पूछा गया है, तो जिस तरह से कार्रवाई प्रशांत भूषण पर की गई है, तमाम लोगों पर की जा रही है, अगर कोई गलती कर रहा है, अवमानना कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जज तानाशाह रूप ले सकता है? ये तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। देखो ये तो जो सरकार जब से आई है, जब से मोदी सरकार आई है, BJP सरकार आई है, एक्चुअली ये RSS की सरकार है। अच्छा। जब से ये RSS की सरकार आई है, जब से देश के अंदर संविधान को नहीं माना जा रहा है, जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, देश डेमोक्रेसी से चलता है, देश सेकुलर स्टेट है, जब सेकुलर स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, जब देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का प्रोपोगंडा करने के लिए, राम मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए चले जाते हैं, तो इस देश में संविधान की कहां मानी जा रही है? और आप देश में देखा होगा कि राम मंदिर का जो जजमेंट किया गया था वो भावनाओं के आधार पर किया गया था, वो फैक्टर लॉ के आधार पर नहीं किया गया था। देश में आने वाले समय में लोग इसको याद रखेंगे, वहाँ जो लोग बैठे हैं, कानून में भावनाओं की कोई कदर नहीं है, काम कानून जो है वो न्याय से चलेगा, देश न्याय से चलेगा, देश संविधान से चलेगा।
मगर जो बीजेपी सरकार के मिनिस्टर भी हैं उनकी बिल्कुल सीधी सोच है कि इस देश को वो संविधान को अलग हटाना चाहते हैं। उनके एक मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो आए हैं वो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और वो बड़ी तेज़ी से आवाज़ उठा रहे हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा का मतलब है कि संविधान को बदल दें। सर, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि जजों पे के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, ऐसा कुछ? नहीं, कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जज अगर गलती करेगा तो उस पर भी आवाज़ उठाई जा सकती है। मगर ब्रिटिश सिविलाइजेशन से जो कमेंट, क्या प्रशांत भूषण ने झूठ बोला था, ये भ्रष्ट जज है? नहीं, वो प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में क्लियर लिख के दिया है कि मेरे पास सबूत है, और सबूत को कोर्ट में दिया है उन्होंने क्या क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। अपना आचार गलत करना भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार आ रहा है। उन्होंने अपने उसमें दिया है, उन्होंने पूरा अपने आर्गूमेंट रखे हैं। जो रहा उनका एक, उन्होंने जो एक मतलब एक ट्वीट किया था, ट्वीट पर कोई भी कोर्ट का अवमानना नहीं करी है। एक जज के खिलाफ बोलना, दोषी किस आधार पर ठहराया गया था? दोषी तो इस आधार पर गिरा है कि वो एनआरसी के लिए बात करते हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं, अधिकारों के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं, वो मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। जो भी मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़े करेगा वो देश का देश, आप तो कंटेम्प्ट कोर्ट की बात करो, देशद्रोही है वो तो देशद्रोही है ना। आप बताइए, देश का देशद्रोही हो जाते हैं वो लोग तो, और हम जैसे लोगों को क्या कहते हैं, वो नक्सल आतंकवादी बोलते हैं, अर्मन अक्सर नर्मन बोलते हैं। तो वो लोग क्या है कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन बनाते हैं। वो सरकार जो चल रही है वो एक विचारधारा की सरकार चल रही है, जो इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र में बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है, वो भारत को बदल कर हिंदुस्तान बना जाता है। हिंदुओं का स्थान हमारे देश की खूबसूरती है, वो हिंदुओं का स्थान नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म सब आपस में, जितने भी लोग हैं सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान चलता है। देश संविधान से चलना चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री, देश के जितने भी नेता हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और एक पीछे से जो नागपुर से चलती है सरकार, इनसे नागपुर की सरकार चाहती है कि देश के संविधान को बदलकर इस देश के अंदर मनुवाद को, जो मनुस्मृति है उसको लागू कर दिया जाए, जिससे कि करोड़ों लोगों को फिर दोबारा गुलाम बनाया जा सकता है। सर, एक बड़े राइटर हैं, दलित हैं वो, आनंद तेलतुंबड़े, उन्होंने 4 लेटर उनके घर से बरामद किए गए थे पुलिस द्वारा, कि उनमें जो है अर्बन नक्सलवाद की बात की गई है। पुलिस का ये आरोप है, महाराष्ट्र पुलिस उसका जो आरोप है, लेकिन उसी बिना पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप आम आदमी को आज़ादी नहीं है कुछ लिखने बोलने की? जबकि जो लेटर बरामद किए गए थे उसमें किसी का नाम भी नहीं था, उसमें सिर्फ लिखा था आनंद, और उनका नाम आनंद तेलतुंबड़े है। तो जाहिर कोई लेटर कोई भी लिख सकता है आनंद के नाम से, लेकिन उनको वो जेल में डाल दिया गया, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, वो मैटर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस मैटर में, वो अभी अंडर ट्रायल है, तो उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। बट मैं आपको एक बता सकता हूँ कि जब जब भी दलित और मुस्लिम लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे तो उनको कोई आतंकवादी बताएगा, कोई नक्सलवादी बताएगा। नक्सलवादी वो ही है जो अपनी बातों को कहता है, अपने अधिकारों को बांधता है, कोई नक्सलवादी नहीं है। अपने अधिकारों को कहना नक्सलवादी, तो मैं भी नक्सलवादी हूँ, मैं 1000 बार बोलूँगा कि मैं नक्सलवादी हूँ, अपनी बातों को कहूँगा, अपने अधिकारों को मांगूंगा। सर, जो मंत्री हैं आनंद हेगड़े जी, वो कहते हैं कि जो BSNL है उसके जो हजारों कर्मचारी हैं हमारे देश में, वो ये नौरत्नों में शामिल थी ये कंपनी, और कहते हैं कि ये जो है कंपनी के कर्मचारी हैं वो देश के गद्दार हैं। एक तरफ वो गद्दार की बात करते हैं जबकि वो कंपनी नौरत्न में शामिल हुई है, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कंपनियों को जो है बेचने की कोशिश है? नहीं, वो तो कंपनियों को बेच रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ लोगों को एक रिजर्वेशन का एक जो क्राइटेरिया वो ना मिल पाए, जो 27% OBC को मिलता है और 22% जो SC को मिलता है, 49% जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट कर देंगे तो जो संविधान में हमको सुविधा मिलेगी वो नहीं मिल पाएंगी। ये इनकी चालाकी है कि किसी भी एक कंपनी को ये ब्लैकआउट कर देते हैं और उसको बारे में बताते हैं कि गलत हुआ है और फिर उसको प्राइवेट कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है और ये पूरे देश को बेचने का काम करते हैं। इनके जितने भी साथी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अडानी हो, अम्बानी हो, जितने भी लोग हैं वो इनके साथी हैं, और वो इनको पूरे देश के अंदर, पूरा देश एक आपदा में है और ये अवसर ढूंढ रहे हैं। तो ये अवसर ये ढूंढ रहे हैं कि पूरे देश की जितनी भी संपदा है उसको प्राइवेट कर दिया जाए और कुछ चंद हाथों में रख दिया जाए, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी की, बहुजन समाज गुलाम हो जाए, फिर दोबारा गुलाम बनाने की रणनीति है और कुछ नहीं। सर, ये सारी जो कंपनियां हो बिक रही हैं, रेल बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, जो बड़ी बड़ी धरोहर हैं वो बिक रही हैं, लाल क्लब बेच दिया उन्होंने, प्राइवेट हाथों में चली जा रही हैं चीज़ें, उसके बावजूद जो हमारा देश का जो युवा वर्ग है, जो
यहाँ के मूल निवासी हैं या और जो युवा पीढ़ी है वो कहीं भी खुलकर के विरोध नहीं कर पा रहे सरकार का, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? देखो जब भी विरोध करने के लिए सड़कों पर आते हैं तो वो केस लगा देते हैं, एनआरसी में भी जैसे विरोध किया हाँ तो सब लोगों को जेल में पहुँचाने का काम किया था, एनएसए लगाने का काम किया, लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं, ये डरा रखा है इन्होंने, बुरी तरह डरा रखा। मेरी तो लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में पूरे देश से। जब तक सरकार नहीं जाएगी, जब तक आपके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, आपके संविधान को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा हथियार हमारे पास वोट है, वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली अपने अधिकारों को भी बचा पाएंगे।